तीर्थ नगरी पुष्कर में घूमने गए अजमेर निवासी दंपति से लूट की वारदात सामने आई है। दो बाइक पर सवार चार बदमाश उन पर बियर की बोतल से हमला कर सोने की चेन सहित अन्य सामान लूट कर फरार हो गए। घायल पति का JLN अस्पताल में इलाज जारी है। पुष्कर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुष्कर से लौटते वक्त पति पत्नी पर शराब की बोतल से हमला, बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। तीर्थ नगरी पुष्कर घूमने गए अजमेर निवासी दंपति से लूट की वारदात सामने आई है। दो बाइक पर सवार चार बदमाश उन पर बियर की बोतल से हमला कर सोने की चेन सहित अन्य सामान लूट कर फरार हो गए। घायल पति का JLN अस्पताल में इलाज जारी है। पुष्कर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान पीड़ित कविता गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि वे धोला भाटा निवासी है और वह अपने पति सत्येंद्र कुमार गहलोत के साथ बाइक पर मंगलवार शाम 6 बजे पुष्कर घूमने के लिए गए थे। रात 9 बजे वापस लौटते समय मोतीसर रोड पर दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उनका रास्ता रोका और शराब की बोतल से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके पति सत्येंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने उनका पर्स छीन लिया, जिसमें के बाद मोबाइल, सोने की चेन, स्मार्ट वॉच और 5,000 रुपये नकदी उनसे लूट कर फरार हो गए। कविता गहलोत ने कहा कि स्थानीय लोगों से जाकर मदद मांगने के दौरान वे बदमाश फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों पति पत्नी को अजमेर में JLN अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुष्कर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़ित पति पत्नी से घटना की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी हाँ, बताइए क्या हुआ आपके साथ? हम नाइट में ना छः बजे करीबन पुष्कर घूमने गए थे। फिर वापस आते टाइम मैं ना मोतीसर रोड पे कुछ ना चार जने थे दोस्त बाइक पर, तो वो ड्रिंक वगैरह कर रहे थे वहीं पर खड़े होकर। तो हम जैसे ही निकल रहे थे ना तो हमें रोका, तो रोक के बोल रहे थे कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला ना आप घर जा रहे हैं, तो ना इनके बोतल की दी। फिर ना ये ऐसे जैसे ही गिरे तो मैं बाइक से हटी, तो मेरे सर में भी दी उन्होंने बोतल की। फिर उसके बाद मेरा पर्स वगैरह, फ़ोन वोन सब ले लिया हाथ में। जो एक फ़ोन था पर्स में था, एक फ़ोन और इनके पास था, तीन फ़ोन थे हमारे पास करीबन। और कैश वगैरह ले लिया और स्मार्ट वॉच थी मेरे पास, वो ले ली। गले में चेन थी वो भी ले ली उन्होंने, और बाइक भी ले गए थे। वो बाइक भी ले गए। आप लोग फिर यहाँ पर कैसे आए? मैं ना जब भग के गई थी ना दौड़ते हुए, तो ना किसी से हेल्प लेके आई थी, तो वो आए थे ढूंढने के लिए। तब ना ये बेहोश थे और बाइक नहीं थी। फिर वो बोले कि ना इनको तो छोड़ा वहाँ पे बैठाया। फिर वो बाइक लेने गए थे, लेकिन बाइक मिल तो गई थी लेकिन उनके पास है, उन्हें हम जानते नहीं है। क्या क्या गए सामान में आपके पास में? तीन फ़ोन थे, एक स्मार्ट वॉच थी और चेन थी। और नगद कितने थे? चार हज़ार रुपये थे नगद। हाँ, करवा दी। कौन सा था वो? पुष्कर थाने पे, यहीं पे आए थे, वो यहीं से करवाई थी। आप कहाँ पे रहते हो? धोला भाटा एकता विहार कॉलोनी। आपका नाम? कविता गहलोत। सत्येंद्र कुमार गहलोत। जिसने मेरा हाथ पकड़ा था ना, उसको तो मैंने करीबी से देखा था। उसकी घनी सी दाढ़ी और मूंछ थी, बहुत बाल थे और ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहना हुआ था, हेल्दी सा था। और उस वो मेरा हाथ भी नहीं छोड़ रहा था, मुझे लेके जाने वाला था वो। तो फिर मैं हाथ छुड़वा के भगी थी। मेरा हस्बैंड ने ना उन्हें मारने लगे थे ना, तब मैं भगी, तब उन्हें बहुत ज़्यादा मारा था। फिर मैं भग चुकी थी वहाँ से। कितने लोग थे? चार जने थे। कहीं पे थे? बाइक पे ही थे वो भी। कौन बाइक पे थे? आप लोग कहाँ गए थे? हाँ, मैं ना चित्रकूट धाम घूमने जाने वाले थे, लेकिन वहाँ गए नहीं, वापस आ गए थे। हाँ, मैं बोल रही थी ना सबको बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ कोई था नहीं सुनने वाला। काफी दूर तक भगी थी मैं।